हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में। आज के इस वीडियो में हम एचटेट 2022 में जो पीजीटी का पेपर हुआ था, उस पेपर में जो सीडीपी का पोर्शन था, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पार्ट है जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, उनका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और जो आने वाला एचटेट और सीटेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने सीडीपी की सीरीज शुरू की हुई है और उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। हमने सीडीपी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दिए हैं। वो टॉपिक्स, उनकी इम्पोर्टेंस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। इस जो सीडीपी का जो पोर्शन है, इसमें आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस हैं जो हमने करवाया, उन टॉपिक से रिलेटेड इसमें आए हुए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली इंक्रीज एंड द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस है, जो हमारे प्रश्न होते हैं, उनके जो कठिनाई का स्तर होता है, डिफ़िकल्टी लेवल है, वो क्या है, बढ़ता रहता है। और जो टाइम होता है वो इसमें सेकेंडरी फैक्टर होता है। तो ऐसे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, पावर टेस्ट, शक्ति परीक्षण हम बोलते हैं इसको। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी यूज अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जब हम स्टूडेंट्स को क्या है, स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनका जो एबिलिटी है, जो लेवल है, वो क्या है, डिफरेंट होता है। तो ऐसा जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स को हम स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आपको जो बाकी और हैं जो लर्निंग के टाइप, ये भी पता होने चाहिए। जैसे मल्टी सेंसरी लर्निंग है, मल्टी सेंसरी लर्निंग है, इसमें क्या करते हैं, ये हमारा टीचिंग लर्निंग का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी जो मल्टीपल सेंसेस है वो इसमें इंक्लूड होती है। इसके बाद टीम टीचिंग की बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो टू आर मोर देन टू टीचर्स, यानी कि दो या दो से अधिक जो अध्यापक है वो एक साथ क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के एक समूह को क्या है, टीच करते हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम लर्निंग होता है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ के साथ पता होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। स्प्रेंगर का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण का जो सिद्धांत है, तो उसमें जो व्यक्तित्व का आंकलन है वो किस उपागम से संबंधित है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपना राइट रहेगा, टाइप अप्रोच इसको हम बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। यानी कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग इन फैंटसी वर्ल्ड, इसका यही करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जब हम काल्पनिक दुनिया में रहते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छा साइन नहीं, अच्छा सिम्टम नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, When an adolescent is unable to show anger to his parents, then he shows his anger to his younger brothers. This is an example of which type of defense mechanism? डिफेंस मैकेनिज्म का आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है, जब एक किशोर है, एक बच्चा है, वो अपने माता पिता पर क्या है, क्रोध नहीं दिखा पाता, उन पर जो अपना गुस्सा है वो नहीं दिखा पाता, तो वो उसका रिएक्शन क्या, अपने छोटे भाई या बहन पर निकालता है, तो ये किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं। इसके अलावा आपको बाकी जो ऑप्शन है, जैसे रिप्रेशन, जिसको हम दमन बोलते हैं, इसका भी पता होना चाहिए। रिप्रेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली कीपिंग अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूअर कॉन्शियस माइंड। जब हम कुछ अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या है, अचेतन अवस्था में हमारे जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन जो हमारी अवस्था होती है, उससे हम क्या इसको दूर रखते हैं एक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन या दमन। इसमें जो सेकंड आता है रिग्रेशन, जिसको हम प्रतिगमन बोलते हैं, ये क्या होता है,
रिटर्निंग टू अर्लियर बिहेवियर, जब हम हमारे जो पहले का बिहेवियर होता है उस तरफ हम वापस चले जाते हैं, वो बिहेवियर फिर से अपना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिगमन। थर्ड है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, असाइनिंग यूर ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और क्वालिटीज टू अदर, जब हम हमारी खुद की अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है वो दूसरों पर एक तरीके से थोप देते हैं, असाइन करवा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज टर्म्ड एज। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें उसके अनुसार क्या है, संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो हमारा राइट जो आंसर रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 स्कीमा रहेगा, जिसको हम बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। अगर आपको पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है या इसकी मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी है इसके बारे में पूरा डिटेल से अच्छे से गहराई में जानना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके सारे टॉपिक मिलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन देखो अब। इमोशनल इंटेलिजेंस में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजन विद इमोशन इन आवर फोर एरियाज, टू परसीव इमोशन, टू इंटीग्रेट इट इन थॉट, टू अंडरस्टैंड इट एंड टू मैनेज इट। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन है, कई बार आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अब इसमें पूछा गया कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है ये किसने दिया, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये अपना राइट आंसर रहेगा। मेयर और पीटर सोलवे, इनकी ये जो डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। इसमें कौन सा मेथड है अभी जो डायरेक्ट मेथड नहीं है जब हम एटीट्यूड को मेजरमेंट करते हैं, तो ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो हम डायरेक्ट, ये एक डायरेक्ट मेथड ही है। फिर सेकेंड आता है प्रोजेक्शन मेथड, तो इसका जो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेक्शन मेथड, क्योंकि क्वेश्चनायर और जो ऑब्जर्वेशन है ये भी डायरेक्ट मेथड है जिससे हम क्या है किसी का जो एटीट्यूड है वो मेजर कर सकते हैं। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ए हॉर्स कैन बी ब्रॉट नियर द वाटर बट कैन नॉट बी फोर्स टू ड्रिंक। अब एक घोड़े है उसको हम पानी के पास लेके तो आ सकते हैं लेकिन हम उसको धक्के से पानी पिला नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट रिवील्स द ट्रूथ ऑफ थोरनडाइक विच लॉ ऑफ लर्निंग। अब ये पूछा कि थोरनडाइक का कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग है इसमें, इस स्टेटमेंट के पीछे। तो इसमें जो हमारा राइट जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। अगर आपको थोरनडाइक की जो थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, तो इसके बारे में भी अगर आपने डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर प्रॉपरली थोरनडाइक की जो थ्योरीज है इससे रिलेटेड CDP के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसमें कवर करवाए गए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। अगर आप वो वीडियोस देखते हो तो आपके लिए डेफिनेटली वो इस CDP के पोर्शन के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ टीचिंग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तीन लेवल होते हैं टीचिंग के, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बेसिक लेवल ऐसा कोई लेवल नहीं है, तीन ही लेवल होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीन लेवल माने गए हैं टीचिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेवंथ, ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रॉनफेनबर्नर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब पूछा गया अभी इनमें से चार ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन है जो ब्रॉन फॉनबर्नर ने अपनी थ्योरी में नहीं दिया, जो इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी बताई है उसका एक पार्ट नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ब्रॉन फॉनबर्नर की जो थ्योरी है, इकोलॉजिकल थ्योरी है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये थ्योरी भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी डिटेल में करवाई हुई है, इसको भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली बात क्या है, जो ब्रॉन फॉनबर्नर है इन्होंने क्या है 5 लेवल बताए हैं अपनी थ्योरी में, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में इन्होंने 5 लेवल बताए हैं। 5 कौन कौन से हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो ऑप्शन में हम देखें तो बाकी सब है जो माइनर सिस्टम है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ब्रॉन फॉनबर्नर ने अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में माइनर सिस्टम नाम का कोई भी ऐसा क्या है सिस्टम नहीं बताया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू इमोशन एंड बेसिक इंस्टिंक्ट।
तो इसमें हमें बताना भी कौन सा जो पेयर है वो राइटली मेच्ड नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच वे इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डिवेलपमेंट ऑफ अडोलेसेंट्स, यानी कि जो अडोलेसेंट्स होते हैं किशोर होते हैं उनमें सोशल डिवेलपमेंट का सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड है जो तरीका है वो पूछा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है डिस्कशन इन सोशलाइजेशन, सेकेंड है अपना सेकेंड ऑप्शन है एसे कॉम्पिटिशन इन ऑन सोशल वैल्यूज, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एक्टिविटीज एंड फोर्थ है डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल रिलेशन। इसमें से हमें सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है जो अकॉर्डिंग टू मास्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी एक्सट्रीम नीड्स आर विच टाइप ऑफ नीड्स। जो मास्लो की जो थ्योरी है वो मैंने कल ही करवाई है, उसकी वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मास्लो की थ्योरी है वो मैंने पूरी डिटेल में करवाई है हायरार्किकल थ्योरी। तो इसमें पूछा जो एस्टीम्ड नीड है वो किस टाइप की नीड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मास्लो की हायरार्किकल थ्योरी है इसमें इन्होंने कौन कौन सी जो नीड्स है बताई है। इन्होंने पाँच तरीके की नीड्स बताई है। ये पाँच कौन कौन सी होती है। सबसे नीचे आती है साइकोलॉजिकल नीड्स जिनको हम बोलते हैं बेसिक नीड्स। फिर आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। देन फिर आती है हमारी जो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स है। फोर्थ नंबर पर आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। और सबसे टॉप पर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये पांच तरीके के इन्होंने नीड्स बताई है। तो इसमें जो पूछा है एस्टीम नीड्स हमारी किससे रिलेटेड होती है। तो जो एस्टीम नीड्स है वो हमारे सोशल टाइप ऑफ नीड्स है अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्किकल थ्योरी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ना तो उसके लिए आपको ये सारी थ्योरीज जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनके कितने लेवल्स हैं, क्या क्या इसमें इन्होंने बात की है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बाकर मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। कौन सा जो कार्य है वो बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है वो क्या है इसमें सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। हमें जो गलत इसमें स्टेटमेंट है वो बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या कहता है। नो टू पर्संस कैन बी एग्जैक्टली अलाइक। दो व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वे से अगर हम देखें तो। सेकंड ऑप्शन कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। ये भी बात सही है। अलग अलग एरियाज में जो डिफरेंसेज है वो देखने को मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। तो बचता है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये क्या है हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइजेज ओनली ड्यू टू हेरेडिटी। सिर्फ हेरेडिटी का ही इसमें रोल नहीं रहता, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेज के पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रायड थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। जो शीलगुण विधि है उसके जनक कौन माने जाते हैं, उसके फादर कौन माने जाते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्पोर्ट। इनको क्या है फादर ऑफ ट्रायड थ्योरी माना गया है, जो क्या है पर्सनैलिटी की जो स्टडी होती है उससे रिलेटेड एक हमारा सिद्धांत है थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज करेक्ट फॉर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड इन्होंने कुछ अपने को पेयर दिए हुए हैं। चार ऑप्शंस हैं, इनमें बताना कौन सा पेयर है वो सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है लिसनिंग एंड रीडिंग, ये गया है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम उसको ध्यान से सुने, लिसनिंग एंड देन रीडिंग। ये दो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 19th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो 19वें क्वेश्चन में पूछा जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है, किस प्रकार की इन्होंने बुद्धि है वो नहीं मानी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी व्हाट लेवल ऑफ मोरलिटी इज इट।
व्हेन मॉरेलिटी इंक्लूड सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स, जब नैतिकता में स्वयं स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं, तो यह किस स्तर की नैतिकता है? तो अब देखो, यहाँ पर जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये थ्योरी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई हुई है, वो आप देख सकते हो। तो कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में बेसिकली क्या है, 3 लेवल बताए हैं और हर एक लेवल पर 2 स्टेजेज है, यानी कि कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके 3 लेवल और टोटल 6 स्टेजेज हैं। तो अब इन्होंने पूछा, जो मॉरेलिटी इंक्लूड सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स, ये पूछा कौन से लेवल पर आता है? तो इन्होंने जो 3 लेवल बताए हैं ना, वो कौन कौन से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्री कन्वेंशनल लेवल, देन कन्वेंशनल, और फिर क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इसमें जो हमारा जो 20th क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, यानी कि ये जो मॉरेलिटी जो है, व्हेन मॉरेलिटी इंक्लूड सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स, तो ये जो लेवल नंबर 3 है वहाँ पर आती है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो एडोलेसेंस किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये हमें बताना है। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर है, वो रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, हु डिवेल्प द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। ये जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, ये किसने डिवेल्प किया? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 मरे एंड मॉर्गन, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट शेड्यूल इज इट व्हेन री इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर ओनली आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जब हम किसी भी लर्नर को क्या है, री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उसके कुछ जब वो रिस्पॉन्सेज हमें दे देता है, उसके बाद अगर हम उसको री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये पूछे ये किस टाइप की री इन्फोर्समेंट है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, फिक्स्ड रेशो री इन्फोर्समेंट इसको हम बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे एडोलेसेंट पीरियड इज। अब प्याजे की दो थ्योरी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो आपको करनी ही करनी है, इसके अलावा जो इनकी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने पूछा है, अभी इनकी जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग एडोलेसेंट जो किशोर अवस्था है वो कौन सा पीरियड है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरेलिटी, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था हम बोलते हैं एडोलेसेंट पीरियड को। इन्होंने हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस मोरेलिटी की बात की है प्याजे ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग। कौन सा फैक्टर जो लर्निंग को क्या है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें 1st है मीनिंगलेस कंटेंट। अगर हम मीनिंगलेस कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो एक नेगेटिव अफेक्ट होगा, नेगेटिवली अफेक्ट करेगा लर्निंग को। लैक ऑफ मैच्योरेशन, अगर परिपक्वता की कमी है तो वो भी क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 3rd है लैक ऑफ मोटिवेशन, ये भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4th बच जाता है, इन्फॉर्मेशनल फीडबैक, ये हमारा क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, रोहित हेल्प्स अदर टू गेट प्रेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें पूछा है अभी ये किस तरीके का जो मोटिवेशन है, इसका एग्जाम्पल है। मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने कल ही वीडियो डाली है जिसमें मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और इसकी सारी थ्योरीज कवर करवाई है। तो इसमें अब ये बताना भी ये किस टाइप का मोटिवेशन है, जब रोहित प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की सहायता करता है तो ये किस तरीके का जो मोटिवेशन है वो है बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2nd है ये राइट आंसर रहेगा, इसको हम बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, वट विल बी द इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ ए 15-year-old बॉय व्हेन हिज मेंटल एज इज 12। अब ये हमें IQ बताना है, 15 साल का कोई लड़का है जिसकी मेंटल एज है, मानसिक आयु है, वो सिर्फ 12 वर्ष की है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने करवा रखा है, मेंटल एज और जो क्रोनिकल एज होती है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाया हुआ है। तो मेंटल एज का इन्होंने पूछा है, उनकी लड़के की मेंटल एज तो है 12 वर्ष की और उसकी जो रियल एज है वो है 15 ईयर्स, क्रोनिकल एज जिसको हम बोलते हैं। तो हमें बताना उसका IQ कितना होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 80। तो उसका जो IQ है वो 80 है वो होगा।
28th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। एज अ टीचर हमें क्या नहीं करना चाहिए भी जिससे क्या स्टूडेंट्स की क्या क्रिएटिविटी डेवलप हो, तो इसमें हमें बताना है। 28th जो हमारा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा राइट आंसर रहेगा अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंता का परिहार, ये हमारे इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो, डिवेलपमेंट विच प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी इज नोन एज, जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है उस विकास को हम क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोक्सीमोडलिस्ट। प्रोक्सीमोडलिस्ट जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या है हमारा सेंटर से हम आउटर, सेंटर से हम पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, केंद्र से हम परिधि की ओर जाते हैं इसमें। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पेपर का, तो इसमें क्या पूछा गया, हंगर एंड थ्रस्ट विच टाइप ऑफ मोटिव, इसमें अब ये बताना है, ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड है, और इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक। ये जो टाइप्स ऑफ मोटिव है जो अभिप्रेरक होते हैं ये भी मैंने कल ही करवाए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर रहेगा। तो ये था हमारा CDP का जो पेपर जो HTET 2022 में PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो इस पेपर को देखने के बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन है उसमें से 80-90% है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उनको कवर करवाया हुआ है, तो उसके लिए आप जाकर जो प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है वो वीडियोस देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।